नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबके बीच एक न्यूज आप डिस्प्ले पर मेरी देख रहे होंगे, शी जिनपिंग बने चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति। यानी अब शी जिनपिंग का 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया है। और इस कार्यकाल के बाद जो उनका 2 कार्यकाल थे वो कंप्लीट हो रहा है नवंबर में। और उसके साथ जो उसकी चाइना में एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी बैठक के बाद अनाउंस किया गया। तो आज ये जो न्यूज है बहुत ज्यादा चर्चा में है, पूरे मार्केट में एकदम तैर रही है। तो उस पर मैं भी कुछ डिस्कस करूंगा और आप लोगों से डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही समझेंगे भारत और अमेरिका के बीच जो चीन के रिश्ते हैं समय कैसे होंगे और खराब होंगे या फिर उसमें कुछ सुधार होगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी क्या अनाउंसमेंट हुई इस कांग्रेस की, इनकी जो समिति होती है, कम्युनिस्ट पार्टी की, कांग्रेस बोला जाता है, इस पर पूरी डिटेल समझेंगे। इससे पहले आप समझें, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग क्रिएट्स हिस्ट्री, यानी उन्होंने इतिहास रचा है, विंस रिकॉर्ड थर्ड टर्म इन पावर, यानी रिकॉर्ड तीसरी बार वो लगातार चाइना के राष्ट्रपति बने। और ऐसा करने वाले वो चाइना के तीसरे राष्ट्रपति होंगे, वो भी समझेंगे कौन इनसे पहले हुए। दूसरी न्यूज आप देख सकते हैं, मिंट की न्यूज है, शी जिनपिंग सिक्योर्स थर्ड टर्म एज चाइनीज लीडर, यानी शी जिनपिंग द्वारा चाइना के तीसरे लीडर के रूप में स्थापित किया गया है। अल जजीरा की न्यूज आप देखें तो शी जिनपिंग सिक्योर्स हिस्टोरिक थर्ड टर्म एज चाइनीज लीडर, यानी ये पूरी वर्ल्ड मीडिया में कवरेज है और होना भी चाहिए। चाइना अपने आप में पूरी दुनिया में चर्चा में हमेशा रहता है। अब तो वहां का राष्ट्रपति चुनाव है और राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति भी कौन है, शी जिनपिंग, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इसी पर डेवलपमेंट्स हम लोग समझेंगे। चाइना की जो पार्टी है, आपने देखा होगा दुनिया भर की जो पार्टियां होती हैं उनकी बैठकें होती हैं, और उस बैठक में कहीं ना कहीं कुछ विशेष जो रेजुलेशन पास होते हैं। तो ऐसे ही चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी बैठक हुई, कांग्रेस जिसको बोलते हैं उसकी बैठक हुई, और उस पर क्या हुआ, एक निर्णय लिया गया। और फाइनली वो निर्णय था कि चीन के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में फिर से शी जिनपिंग को चुना जाएगा। शी जिनपिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक चाइना में रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, और इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहाँ पर आप देखें, उनके चुने जाने के बाद चाइना अनवेल्स न्यू लीडरशिप डोमिनेट बाई की शी जिनपिंग एलाइज, यानी शी जिनपिंग की जो नई लीडरशिप तैयार हुई उसके लिए उन्होंने डोमिनेट्स, उनके बारे में चर्चा की, उनके बारे में बताया कि अब हम लोग आगे चाइना के लिए क्या करेंगे। तो चाइना की एक पी होता है, एक पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है PBSC, और इसकी बैठक फाइनली हुई। इसमें डिसाइड किया गया और 31 अक्टूबर आज ही की सॉरी 31 नहीं 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर 2022 की आज की न्यूज है, इसी को आप देख सकते हैं। और पोलित ब्यूरो आपने सुना होगा, भारत में बहुत ज्यादा चर्चा रहती है पोलित ब्यूरो, तो कम्युनिस्ट पार्टी की एक प्रकार से ये बैठक होती है, जैसे बहुत सारी पार्टियों की संसदीय दल की बैठक होती है, ऐसे इनकी एक पोलित ब्यूरो होती है। और पोलित ब्यूरो स्थायी समिति की मीटिंग हुई, जिसको PBSC कहते हैं हम लोग। इसके बाद सत्ताधारी जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर इसके द्वारा एक बहुत सारा रेजुलेशन पास किया। इसमें फाइनल एक रेजुलेशन आया, अभूतपूर्व तीसरा 5 साल का कार्यकाल शुरू किया जाएगा शी जिनपिंग का, और आज से ही शुरू हो जाएगा। 69 ईयर के हमारे शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति वो हो चुके हैं, और उनके 4 सहयोगियों को इसमें रविवार को नियुक्त किया गया। यानी और जैसे भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ऐसे इसमें भी होता है। और CPC कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस है, वो समापन के बाद उसका अनावरण किया गया, और फाइनली चीन के राष्ट्रपति के रूप में उनको स्थापित किया गया। आप देखें तो 1931 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अभी हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। और बनने के बाद ये तीसरी बार हो रहा है जब किसी तरह का एक रेजुलेशन तैयार किया जा रहा है। और इस रेजुलेशन का पहला इतिहास देखें, यानी शुरुआत देखें, तो माओ डेजोंग पहले व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में 1945 में पहला रेजुलेशन आया था। उसके बाद डेंग सियाओपिंग, यहाँ पर नाम देख सकते हैं आप, इनके नेतृत्व में 1981 में दूसरा रेजुलेशन पास किया गया था। और फाइनली अब ये तीसरा रेजुलेशन पास किया गया है शी जिनपिंग के लिए, जिसमें 300 से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया, और फाइनली चाइना के राष्ट्रपति के रूप में इनको स्थापित किया। इस रेजुलेशन में दो और बहुत बड़ी बातें ऐड की गई हैं कि शी जिनपिंग के खिलाफ कोई भी नारेबाजी की जाती है तो चीन में अपराध माना जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, हमारे देश और दुनिया की बहुत सारे नेता हैं, उनके बारे में बयानबाजी होती रहती है,
नारेबाजी होती रहती। तो ऐसा यदि चीन में किया जाएगा तो एक प्रकार से चीन में इसको अपराध क्राइम माना जाएगा। दूसरा, जो चीन के स्कूल और कॉलेज है वहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचार पढ़ाए जाएंगे, जैसे हम लोग बहुत सारे आदर्शवादी विचारक, बहुत सारे और भी समाज सुधारक उनके विचारों को पढ़ते हैं, ऐसे ही वहां पर अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों को पढ़ाया जाएगा और इनके बारे में गलत बयानबाजी करने पर लोगों को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी जो महत्वपूर्ण रेजुलेशन है, ये दो रेजुलेशन पास हुई और इसके बाद आप लोग चर्चा में समझ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? ये कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी स्थापना के 2021 में 100 वर्ष हो चुके हैं, यानी 1921 में इस पार्टी की स्थापना हुई और उस समय सिर्फ 50 लोग थे। जैसे कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ते हैं, जिस 1885 में उसकी स्थापना हुई थी, ऐसे ही चीन की एक कम्युनिस्ट पार्टी है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय सिर्फ 50 लोग इसके सदस्य थे। 1949 आते आते लगभग 2.2 करोड़ लोग इसके सदस्य बने और फाइनली आज के समय में दावा किया जाता है लगभग 9 करोड़ लोग इसके वर्तमान में कार्यकर्ता हैं, जैसे आपकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे मेंबर हुआ करते हैं, ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 9.5 करोड़ कार्यकर्ता हैं वर्तमान में। और कम्युनिस्ट पार्टी की और इतिहास की बात की जाए तो आपने सुना होगा 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, रूस की क्रांति जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, और इसमें जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटाने के लिए परिवार सहित मार दिया गया था और उसको फिर कुर्सी पर कम्युनिस्ट पार्टी के व्लादिमीर लेनिन, आपने पढ़ा होगा लेनिन के विचार जो कि आपके रूस में मिलते हैं, रसिया में, तो व्लादिमीर लेनिन ना कम्युनिस्ट पार्टी से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या किया, संस्थापक भी थे और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से रसिया पर फिर क्या किया, सत्ता बना ली अपनी। और वो एक प्रकार से वो भी माने जाते हैं कि जैसे आपके मुसोलिनी हिटलर हुए हैं, वैसे इनके भी विचार कुछ कुछ हार्ड थे, यानी लोगों के लिए काफी ज्यादा वैचारिक रूप से प्रभावित करने वाले थे अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए। 1921 में उन्होंने अपने कुछ एजेंट्स चीन में भेजे और चीन में भेजने के बाद फिर चीन में भी उनकी पार्टी का विस्तार हुआ और फाइनली चीन में उनकी मुलाकात एक जूनियर स्कूल के प्रिंसिपल माओसे तुंग से हुई और उसके बाद फाइनली 1921 में चीन में भी मार्क्सवादी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 25 जुलाई 1921 को। इसको आप याद रखेंगे, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी आपकी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीसीपी, और ये 1921 में स्थापना हुई। इसका यह इतिहास है, आप समझ सकते हैं माओ से तुंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप याद रखिएगा माओ से तुंग, इनको बहुत पूछा जाता है। चाइना, चाइना की क्रांति सन यात सेन के द्वारा की गई थी 1911 में, इसको भी आप याद रखिए। आपने अभी हाल ही में 15 से 20 दिन पहले एक बहुत तगड़ी न्यूज सुनी होगी कि चाइना के राष्ट्रपति कहीं गायब हो गए हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे आर्टिकल छप चुके हैं इनके बारे में कि कहाँ गुम है शी जिनपिंग, 1.5 साल 2 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में भी नहीं आए, COP26 में भी शामिल नहीं हुए और बहुत सारे समय से उनको अनफिट बताया जा रहा था। लेकिन ये चीन में क्या है, एक प्रकार से मीडिया की कवरेज बहुत कम रहती है, जैसे भारत में कोई छोटा सा नेता हो हल्के से प्रोग्राम में जाए तो उसमें मीडिया की 50 कंपनियां पहुंच के उसको कवर करती हैं। चाइना में ऐसा नहीं है, वहां पर सीमित मीडिया का प्रयोग है और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत सारी चीजें वहां बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं बिल्कुल ना के बराबर है, वहां पर भी है, लेकिन बहुत सारी न्यूज कम बाहर आती है, इसलिए ज्यादातर न्यूजों पर सस्पेंस रहता है। और अभी हाल ही की न्यूज थी कि ली की क्योंग को नया राष्ट्रपति बनाने का दावा, यहाँ पर जेनिफर जेंग एक पत्रकार थी, उनके द्वारा एक न्यूज वायरल की गई थी और इसी न्यूज को लेकर पूरा वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया इसको। ये दैनिक भास्कर की एक पिक्चर में लेकर आया हूँ, यहाँ पर इसमें बताया गया था, लेकिन इन सबके दावे झूठे निकले। फिर इसके बाद चाइना के राष्ट्रपति 2 से 4 दिन बाद बाहर निकले, लोगों के बीच आए और उस पर भी बहुत सारे वीडियो बने, बट फाइनली अब ये भी डिसाइड हो गया कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार है। ये आप देख सकते हैं, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रसिया और चाइना के रिश्ते इस समय काफी अच्छे चल रहे हैं और साथ ही साथ रसिया और चाइना की मिली जुली बातें इसलिए अच्छी हैं क्योंकि इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से अमेरिका को लेकर बहुत ज्यादा विरोधाभास रहता है, कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता है। तो इसी स्थिति में आप समझें चीन और अमेरिका के बीच हमेशा बयानबाजी होती रहती है और चीन अमेरिका एक दूसरे को अपने माध्यम से समझाते रहते हैं। आपने अभी एक न्यूज भी सुनी होगी ताइवान वाली, यहाँ पर आप समझें ताइवान को लेकर अभी बहुत जल्दी में नैन्सी पेलोसी 1 से 1.5 महीने पहले आई थी। ताइवान जो कि चीन अपने आप को मतलब अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखता है,
उस स्थिति में बहुत सारी चीजें हुई और आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री से भी कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी और काफी अच्छे रिश्ते बताए जाते थे पहले। लेकिन फिलहाल 2 साल से जो गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसके बाद से भारत और चीन के रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। उस स्थिति में आप देखें तो इनके यदि राष्ट्रपति का तीसरा टेन्योर शुरू होता है तो इसके वजह से क्या बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। जो शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति है उनकी जो भूख है चाइना का गतिरोध बढ़ा सकती है, यानी भारत के साथ जो गतिरोध है कम ना होकर विस्तारवादी भूख की वजह से और बढ़ता जा रहा है। और चीन और लद्दाख का आपने सुना होगा, चीन सॉरी रश अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में बहुत सारे यहाँ की जो चीन की सेना है पीएलए द्वारा हमेशा घुसपैठ की कोशिश की जाती रही, कब्जे की कोशिश करते रहे हैं और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी इनके द्वारा पब्लिश किए गए जो कि जिनपिंग का कार्यकाल बढ़ाने से चीन की सेना और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। यानी भारत के लिए जो चीन की सेना है उसको चीन की जो सेना है वो कहाँ से पावर पाती है, राष्ट्रपति से। जैसे भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्राप्त होता है, ऐसे ही शी जिनपिंग की जब सेना और मजबूत होगी तो भारत के लिए कुछ ना कुछ आक्रामक होगी और खतरा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत और चीन का जो इस समय व्यापार है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है और दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इससे ट्रेड वॉर को भी खतरा बढ़ेगा क्योंकि भारत और चीन के जब रिश्ते खराब होंगे बहुत ज्यादा एक कोल्ड वार की स्थिति बन सकती है और इस स्थिति के साथ भारत का ट्रेड वॉर का भी खतरा बढ़ जाएगा। कारण क्या है, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ जो पड़ोसी देशों के साथ चिंताएं हैं निवेश की जो बात है उसको लेकर चीन का अपना स्टैंड रहा है और उसने अपने पड़ोसियों जो भी देश हैं जो उसके ट्रैप में फंसा वो कहीं ना कहीं नुकसान में रहा है। ऐसे ही आप देखें दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन का बहुत स्टैंड एकदम ऐसे रहता है जैसे वो कब्जाने की कोशिश करता हो और इसी को लेकर बहुत सारे लैंड आईलैंड हैं और कंट्री हैं उनसे इनका विवाद चलता रहता है। ताइवान को लेकर भी ब्लैक साउथ चाइना सी को लेकर विवाद है इनका और ऐसे ही फिलीपींस से वियतनाम और साथ ही साथ और भी कई देश हैं जापान इनके साथ इसका विवाद चलता रहता है। यहाँ पर आप देखें इससे पहले कि चाइना की स्थिति कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड स्तर पर खराब हुई है। 2020 में जब कोरोना की शुरुआत मानी जाती है तो चाइना की जो वुहान शहर से इसकी बात मानी जाती है और कहीं ना कहीं इसके लिए चाइना को पूरी दुनिया में जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ब्रिक्स में ब्रिक्स रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका है, यानी रसिया इंडिया और चाइना ये तीनों मिले हुए कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो कहीं ना कहीं भारत और चीन के रिश्ते खराब भी रहते हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों को सुधारने की भी प्रयास किए जाते हैं विभिन्न माध्यमों से। लेकिन अभी फिलहाल जब तीसरा उनका टेन्योर होगा तो उस टेन्योर की स्थिति में देखना होगा कि आगे क्या उनकी रणनीति रहती है, भारत के खिलाफ उनका रवैया जो है आक्रामक रहता है या फिर सहयोगात्मक। ये सभी जो भी डेवलपमेंट होगी आगे हम लोग आने वाले समय में जो भी प्रोग्रेस होगी जो भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, ब्रिक्स में शामिल होगा सऊदी अरब, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ऐसे ही आप लोग चैनल के साथ और बहुत सारे आर्टिकल जो मैं डेली आप सबके बीच अपडेट लेकर आता हूँ देखते रहिए, जरूर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ना देखा हो अभी तक आपने चैनल पर नए हो तो जरूर जाके देख लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डे बाय डे और अच्छा मैं आपके लिए सेशन लेकर आता रहूंगा ऐसे ही शानदार इन्फॉर्मेशन देखने के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ, जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।